हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। ठीक है, अच्छा प्रीवियस लेक्चर में था पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट कई। हाँ पा हलूँ था काइनेटिक एनर्जी ए पोटेंशियल एनर्जी की इंटर कन्वर्जन कड़ी है, मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनदर वगैरह वगैरह, ये सब गाल पा क्यों था। ओके, हाँ इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक इंटू पोटेंशियल, इनमें ही पा गाल वर्क एनर्जी इक्वेशन की। ही जो पान के ड्राइवेशन करनी है, सब कुछ जो पान के करो आ यो करनो आ फ्री फॉल मोशन जे हिसाब सा। केड़ी वाली मोशन? फ्री फॉल। अच्छा बेटा गाल बुदो, एकड़ी बॉडी आ या को पार्टिकल आ जेका पोजीशन ए ते मौजूद आ, ही केहे ब पर्टिकुलर एकड़ी हाइट ते मौजूद आ। ठीक आ, अच्छा जने हाइट ते हुंदो तो डेफिनेटली बॉडी रेस्ट में आन, जो मतलब आ काइनेटिक एनर्जी जीरो हुंदी ते। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी हन के कान का हुंदी, दैट वुड बी एम जी इनटू एच, MGH would be the amount of potential energy. Okay. तो डाटी सादी गाल पहरे हम पाण कंदा सी, at point A, A वारे हंद ते body के kinetic energy आए या कोने? कोने को, छो rest में जो आ, भला potential आए या कोने? बिल्कुल आए, maximum आ। अच्छा भला टोटल एनर्जी केतरी हुंदी आ? टोटल एनर्जी जो मतलब यो आए तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक जीरो पोटेंशियल एम जी एच, तो टोटल एनर्जी जेका भी हुंदी दैट वुड बी इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ एम जी एच या इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एट पोजिशन ए तांके टोटल एनर्जी जो पतो पैजी वियो। नाउ हाँ इन बॉडी के इतना ड्रॉप कर। ठीक है, अच्छा एक गाल ध्यान में रखो तो बॉडी स्टेशनरी आ ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अच्छा जैसे पान के उछलाइंदी मतलब एज अ ड्रॉप कंदी तो कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हेठ इंदी, ये ना। अच्छा जी हेठ इंदी, एज द बॉडी जी हेठ इंदी, एज द बॉडी डिसेंड तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी वेलोसिटी बदनी बुढ़, मतलब वेलोसिटी बदी तो काइनेटिक एनर्जी थी इंक्रीज थी, इंक्रीजेस जो मतलब थो गेन थी। हाइट आहिस्ता आहिस्ता घटबी, हाइट घटी वन के करे पोटेंशियल एनर्जी थी डिक्रीज थी, डिक्रीज इन पोटेंशियल जो मतलब थो लॉस थो। हाँ मिसाल तौर ही बॉडी कुछ हाइट कवर करे आई आ, फॉर एग्जाम्पल अस हंध से ऑब्जर्व करण चाहूँ था यो हंद या पोजिशन पॉइंट बी आ फॉर एग्जाम्पल। अच्छा जैसे इतने पुजी आई तो हाइट पैरी की भेट में घट जी वही बुढ़, पैर हाइट एच हुई, हाँ कुछ न कुछ घट जी एक्स घट जी, तो बाकी जेका इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी होंदो या पोटेंशियल एनर्जी होंदी वह पैर वाली घरे होंगी, हाँ घट होंगी जितनी हाइट होंगी ओतरी होंगी। अच्छा बॉडी हेठ आई आ तो डेफिनेटली इतने काइनेटिक एनर्जी होंगी ना बाबा, काइनेटिक एनर्जी जीरो तो होंगी, काइनेटिक एनर्जी होंगी, हाँ वह होंगी केतरी इनके पान डिस्कस क्यों था। तो जनरली हाँ एक गाल बुदो कें पर्टिकुलर पोजिशन बी ते हाँ गल कड़ी पॉइंट बी, तो एट पॉइंट बी, बी वे हंध से जर पा गल तो बी वे हंध से अवं यह गाल करे सको था तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस थो हों, मतलब चाहिए लॉस इन पोटेंशियल थो हों, तो काइनेटिक एनर्जी में गेन थो ना, तो जनरली पा यह गाल कंदी काइनेटिक एनर्जी में गेन थो हों। अच्छा ओके, प्लस में जैसे विच में एयर या हवा जो को अमल दखल एयर, तो पो जाहिर कुछ न कुछ एनर्जी जो हिसाब किताब हेठ मथे थी चुको होंद वो लॉस थी वही होंगी, या वह गाल ये समझो तो एयर रेजिस्टेंट के करे वर्क डन थे होंद, एयर फ्रिक्शन होंगी ना, तो कुछ अड़ो वर्क डन जो एयर फ्रिक्शन के करे थे होंद, तो कलेक्टिवली पा यह गाल करे सकूं था तो कुछ अमाउंट अड़ो हों जो अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस के हिसाब से होंद, माना जनरली मां गाल करे सकां थो तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस थो गेन इन काइनेटिक एनर्जी थो प्लस में वर्क डन अगेंस्ट, बेन लफ्जन में ये चो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस थो काइनेटिक एनर्जी में गेन थो वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। हाँ ही अवां के एकड़ो जनरल केस एकड़ो जनरल फार्मूला मिलो, हाँ इन में वर्क भी पो एनर्जी पी आ, तो गडियल तौर ते हिन जो नालो असा रखना आयूं
केड़ो वर्क एनर्जी इक्वेशन इनके चले वो वर्क एनर्जी इक्वेशन तो वर्क एनर्जी इक्वेशन माना छा एडी जनरल इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जे में वर्क एनर्जी बे यूजन अन ही पान गाल तने दा कयो व्हेनेवर वी डील एयर रेजिस्टेंस एयर न होजे तो छा थिंदो फॉर एग्जांपल ता पाने आ गाल कयो इफ एयर रेजिस्टेंस इज जीरो हवा जो अमल दखल होजे ही न भला पोए छा थिंदो दिसो पोए डाढो सिंपल आ जेत्रो भी पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस थियो हुंदो 100% वो गेन इन काइनेटिक थियो हुंदो अच्छा पोटेंशियल जो लॉस केत्रो थियो जेत्री हाइट डिक्रीज थी ओत्रो लॉस थियो बाबा त जनरली पान गाल कंदा सी हाइट डिक्रीज थी आ एक्स न चकन एक्स जेत्रो हाइट घट भी न पुट त लॉस ओत्रो थियो ए इयो ही लॉस अची वयो छा में काइनेटिक एनर्जी में तो हाने मां या गाल करे सका तो पोजीशन बी ते काइनेटिक एनर्जी कान का हुंदी ए केतरी हुंदी जेतरी पोटेंशियल लॉस थी आ इन अदर वर्ड्स यू कैन से mgx हुंदी सो सिंपल है हेलो हाने इन हद ते टोटल केतरी थींदी इन हद ते टोटल केतरी थींदी टोटल एनर्जी जो मतलब जाए काइनेटिक ए पोटेंशियल बिनी के प्लस कयो ऐड कयो हाने काइनेटिक एनर्जी एम जी एक्स आ पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एक्स आ तो जेकर मां टोटल एनर्जी कढा तो एम जी एक्स ही सागियो आ हिन के खणी हलो अंदर तो ही एम जी एक्स कट जी विया कैंसिल थी आ खाली तांखे मिलियो एम जी एच टोटल एनर्जी वरी बुआ सागी आ जेका ए वारे हंद ते हुई ए वारे अंदर छा हुई एम जी एच हाने छा है एम जी एच डज नॉट मीन के बी पोजिशन ते सजी पोटेंशियल आ बट एग्जैक्टली इट मीन के अमाउंट ऑफ एनर्जी जेको टोटल तांजो ए पोजिशन ते हुयो वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल हो 15 जूल हो फॉर एग्जांपल तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन सेम एट पोजिशन बी It is not exactly in the form of potential. It is the sum of kinetic and potential both. But magnitude of energy contained is exactly equal to that of position A when body was at rest at maximum height. So you can compare these two equations and concluded in this way that energy remains same at A or at position B. ये थे हेलो Let it fall further. इनके अंदर further ना drop के लेट इट मूव ये ना असा विच पकड़ियो असा इन इंस्टेंट ते मालूम कयो ना हलो जी बॉडी हेठ ईंदी त अन्या हाइट घट जे अन्या लॉस थे जडे ही बॉडी जमीन ते लगण वारी हुंदी मतलब बुधो हाणे एज द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड जी या बॉडी जमीन ते लगे थी त इन जी वेलोसिटी मैक्सिमम हुंदी ना बुधो इन जी जेका फाइनल वेलोसिटी वा छा हुंदी मैक्सिमम हुंदी अच्छा इनिशियल छा हुई मैक्सिमम हाइट ते जीरो हुई डिस्टेंस केतरो कवर करे आयो आई वेलोसिटी पंजो डिस्टेंस एच कवर थियो आ एक्सेलरेशन केड़ी आ जी हाने एकड़ो पान कम दा कयो केड़ो तो व्हाट वुड बी वेलोसिटी विथ व्हिच इट स्ट्राइक द ग्राउंड सो लेट्स कैलकुलेट सी थर्ड ई क्वेश्चन अनु बाबा तांजो कम थी वेंदो ताखा तो 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2 acceleration gh is equal to vf vr vr 0 chade deyo it means v is equal to radical 2 gh mana when it strike the ground it will strike with the speed radical 2 gh in other words you can say suddenly theek a ye pan gal kare sakunda hello hane peri sadi ai simple gal in ji ya thi hane jane ya body zameen te strike kandi un waqt kehdi energy maximum hundi काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल छा हुंदी जीरो ताने एट पोजीशन हाँ हिन पोजीशन ते पाण हलूंगा सो एट पोजीशन सी जॾहिं ही बॉडी ज़मीन ते हूंदी मतलब पोजीशन सी कहिड़ी जॻह आहे उहा पोजीशन आहे जिते बॉडी ज़मीन ते स्ट्राइक करे चुकी आहे या स्ट्राइक करण वारी ई आहे ॿियनि लफ़्ज़नि में ताईं सम्झो त हिननि ते पुटु काइनेटिक एनर्जी छा आहे मैक्सिमम आहे काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन 2 एम वी स्क्वायर माना मैक्सिमम हुंदी केतरी यो बुधायो उनके पण बाद में दर्शो पोटेंशियल एनर्जी छा हुंदी जीरो हुंदी अच्छा भला टोटल केतरी हुंदी इनन ते टोटल एनर्जी जो मतलब यो आए त काइनेटिक ए पोटेंशियल के प्लस कयो त
तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक 1/2 mv स्क्वायर सागी प्लस पोटेंशियल जीरो तो टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी जमीन ते हन स्ट्राइक कयो आ तो टोटल एनर्जी इज कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हेलो थियो हने ए ते खणी हुई mgh जो मैग्नीट्यूड बी ते केत्रो हो mgh वारो मैग्नीट्यूड सी ते केत्रो आ 1/2 mv स्क्वायर पर यो आहे वरी भी mgh जे इक्वल हेलो ताने किए थे सही इक्वल करे सके तो पुटे ता 1/2 m सागे v स्क्वायर जो वैल्यू पुट कयो जो ता हाने ना कैलकुलेट कयो घणो रेडिकल पजो 2gh v स्क्वायर डायरेक्ट घणो आ 2gh 2 into कैंसिल थयो तो टोटल एनर्जी वरी भी mgh Now this means के total energy always remains है मतलब energy at B, energy at C, energy at A, energy at any position always remains है मतलब total energy always remains है पर यह गाल जरूरा तो maximum height ते अने इनके conclude ये करें पान कहूँ यह गाल पान करे सकूँ था बाकायदे तौर ते बाबा तो maximum height ते total energy सजी mgh हुई पोजीशन बी ते टोटल एनर्जी वरीब एमजीएच हुई पोजीशन सी ते टोटल एनर्जी वरीब एमजीएच आ माना ए पोजीशन ही बी पोजीशन ही सी हां उहा भी गाला त हते सजे जी सजी पोटेंशियल हुई आई हते पोटेंशियल ब हुई त काइनेटिक ब होयो पोटेंशियल केत्रो होयो एमजीएच माइनस एक्स काइनेटिक केत्रो होयो जेत्रो लॉस थियो होयो हन अंत ते सजे जी सजी एनर्जी जका ए वा काइनेटिक एनर्जी आ तो दिस क्लियरली सजेस्ट के टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम सो दिस इज व्हाट यू से के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तां जो ते वेरीफाई थियो ठीक है ना सो इया एकली सिंपल गाल हेलो हाने जदे इया बॉडी जमीन ते लगी चुकी आ लगण वाली ना हाने लगण खा पोए बी वेंदी ना किथे ना किथे आफ्टर स्ट्राइकिंग अर्थ या सरफेस थोरो ध्यान दियो हने बॉडी आ जेका लगी लगी वजन का वो बाउंस थी करे आस्ता आस्ता किथे न किथे बी वेनी पुटो हां जाहिरा जने लगी आ है त काइनेटिक एनर्जी इन के मैक्सिमम आ ए उन खां पो ट्रपा दींदी भला किथे बी वई माना फाइनली इए गाल कयो जने बी वई त काइनेटिक एनर्जी जीरो थी हने इन के हेडी वडी काइनेटिक एनर्जी हुई हुआ वई केडा इहा काइनेटिक एनर्जी जेका पहिरे इन के हुई जने जमीन ते लगे पई ना हाने छो कोने को छाकान दिया सजे जी सजी जी काइनेटिक एनर्जी जेका ते हुई द काइनेटिक एनर्जी इज यूटिलाइज्ड छा में यूटिलाइज थी वई इन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में या कन्वर्ट थी वई ए बॉडी बी वई नाउ The body only contain one kind of energy. The body only contain kinetic rest mass energy. Body के सिर्फ और सिर्फ आने की energy आ, जहें जो नालो पान खुंदा rest mass energy, inter में हली करे ताँ पढ़न दो E is equal to mc square, जेका rest mass energy body की होंदी. तो देखो maximum height कहाँ वनी body बीती आ, तो total energy always remains same. This clearly suggests के total energy अवांजी वरी प्रमेन सेम थी हाने इन गाल के पान वाजह तौर ते या गाल साबित भी पान कही सी प्रूव भी कही सी मैथमेटिकली कही सी तो total amount of energy always remain same everywhere इन जो मतलब हो तो असा हाने verify करे छड़ियो law of conservation of energy अवांजो इन बाने verify थी हो तो total energy always remain same हाणे या सागी गाल जेकरे पाण मथे कयूं त जेकरे या सागी बॉडी पाण मथे उछलायो छा थींदो वरी साग्यो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हूंदी पोटेंशियल डिक्रीज थींदी वगैरह वगैरह सभु ॻाल्हियूं थींदियूं ठीकु आहे सो इन में अञा ॿ टे ॿियूं ॻाल्हियूं बि आहिनि उहे बि पाण डिस्कस थींदा पर फ़िलहालु तव्हां इनखे नोट करे वठो